हेलो मॉम्स एंड डैड, वेलकम अगेन टू बी अ मॉम फैमिली। आज की इस वीडियो में हम फॉर्मूला से रिलेटेड FAQ यानी कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपके बहुत सारे डाउट फॉर्मूला से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। अगर क्लियर हो जाए तो लाइक बटन पे जरूर हिट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और उन सारे सवालों के बारे में वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले ये मेरा रिकमेंडेशन है, वो डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि एक मदर को एटलीस्ट अपने बेबी को 6 मंथ तक ब्रेस्ट मिल्क देना चाहिए। कोशिश करें कि 2 साल तक अपने बेबी को ब्रेस्ट मिल्क दें, क्योंकि मैंने भी अपने बेबी को ब्रेस्ट मिल्क दिया है। ब्रेस्ट मिल्क से अच्छा कोई मिल्क नहीं होता है। इवन फॉर्मूला अगर आप परचेज करते हो तो उस पर भी नोट दिया होता है कि ब्रेस्ट मिल्क से अच्छा कोई मिल्क नहीं होता है। एटलीस्ट 6 मंथ तक आप अपने बेबी को ब्रेस्ट मिल्क ही दीजिए। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है, कोई हेल्थ इश्यू की वजह से, कोई पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से, किसी इंजरी की वजह से, ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई ना होने की वजह से हमको अपने बेबी को फॉर्मूला मिल्क देना होता है। तो ऐसे केस में हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल उठते हैं फॉर्मूला से रिलेटेड, जिनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो कि फीमेल के माइंड में आता है, क्या फॉर्मूला मिल्क बेबीज के लिए अच्छा है? ये खासकर उन फीमेल्स के माइंड में जरूर सवाल उठता होगा जो ब्रेस्ट मिल्क एक्चुअल में देना चाहती हैं बट किसी हेल्थ इश्यू की वजह से नहीं दे पा रही हैं। तो ये सवाल उनके माइंड में आता है, क्या वो ठीक है? बट एक्चुअल में आपको गिल्ट फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला मिल्क में वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं ब्रेस्ट मिल्क के, बट कहना चाहूँगी वो ब्रेस्ट मिल्क नहीं होता है, उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। लेकिन आपको गिल्ट फील करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसमें वो सारे न्यूट्रिएंट हैं जो कि बेबी के ब्रेन के लिए, उसकी इम्यूनिटी के लिए, उसकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए ब्रेस्ट मिल्क अगर नहीं है तो आप बेबी को फॉर्मूला इजीली दे सकते हैं, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। दूसरा सवाल, बेबी को कब से हम फॉर्मूला देना स्टार्ट कर सकते हैं? आप बेबी को कभी भी फॉर्मूला देना स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक बेबी के बर्थ के बाद से भी आप बेबी को फॉर्मूला दे सकते हैं। लेकिन आपको ब्रेस्ट मिल्क विद इन 1 घंटे के अंदर, बेबी के बर्थ के 1 घंटे के अंदर आपको ब्रेस्ट मिल्क देना होता है, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल होता है जो बेबी के लिए बहुत ज़्यादा, फुल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसमें ऐसी पावर होती है जो बहुत सारे इन्फेक्शन से, बहुत सारे बैक्टीरिया से फाइट करता है। इसीलिए आप सबसे पहले बेबी को ब्रेस्ट मिल्क दीजिए, उसके बाद से फॉर्मूला मिल्क दीजिए। इन केस कोई हेल्थ इश्यू की वजह से अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो आप इमीडिएटली फॉर्मूला मिल्क को स्टार्ट कर सकते हैं। अगला सवाल, बेस्ट फॉर्मूला मिल्क कौन सा होता है? हर फीमेल के माइंड में ये सवाल सबसे पहले आता है कि हम अपने बेबी को वही चीज़ दें जो कि बेस्ट हो। बट ये चीज़ जो है कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हर बेबी अपने आप में अलग होता है। किसी बेबी का प्रीमेच्योर बर्थ होता है, कोई बेबी अंडरवेट होता है, कोई बेबी ओवरवेट होता है। तो इसके हिसाब से डॉक्टर आपको सही सजेस्ट कर सकती है कि आपके बेबी के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, इसीलिए आप डॉक्टर को फॉलो करिए। अगला सवाल, फॉर्मूला मिल्क बनाने के लिए आपको कौन सा पानी यूज करना चाहिए? आप टैप वाटर भी यूज कर सकते हैं, आप फिल्टर वाटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई भी वाटर आपको यूज करना है, वेल कोशिश करें आप फिल्टर वाटर ही यूज करिए। उसको बॉइल करके कैटल में रख लीजिए, उसके बाद ही आपको अपने बेबी को फॉर्मूला मिल्क बना के देना है। अगला सवाल, बेबी के लिए फॉर्मूला मिल्क कब बनाना चाहिए? आपको बेबी के लिए फॉर्मूला मिल्क फ्रेश और इमीडिएटली ही बनाना है। जब भी आप बेबी के क्लू चेक करो कि उसको भूख लगने वाली है या फिर वो उठने वाला है, तो इमीडिएटली बना के आपको अपने बेबी को देना है, आपको पहले से स्टोर करके नहीं रखना है। अगला सवाल, फॉर्मूला को बना के आप कितनी देर तक रख सकते हैं? मान लीजिए आपने बेबी के लिए बॉटल प्रिपेयर करी और आपका बेबी सो गया, तो ऐसे में आप मान लीजिए उसने बिल्कुल टच भी नहीं किया है निबल को, तो आप 1 घंटे तक रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पे आप उसको नहीं रख सकते। रूम टेम्परेचर में आप सिर्फ उसे 10 से 15 मिनट के अंदर ही रख सकते हैं। इसके अलावा अगर वो रखा हुआ है तो वो स्पॉइल हो जाएगा, आपको उसको फेंकना ही होगा। अगला सवाल, फॉर्मूला मिल्क बनाना कैसे है? बहुत ही ईजी है। जो आप कंटेनर खरीदते हैं फॉर्मूला मिल्क का, उस पर सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए होते हैं, अकॉर्डिंगली उसको फॉलो करना होता है, उसके हिसाब से ही आपको बनाना होता है। अगला सवाल, अगर आपको अपने बेबी को बॉटल फीड कराना है यानी कि फॉर्मूला मिल्क देना है, तो ऐसे में आपको किन किन चीजों की आपको जरूरत होगी? सबसे पहली चीज, आपको 6 बॉटल एटलीस्ट लेनी है, 6 निपल्स लेनी है, क्योंकि पूरे दिन तक बेबी को फॉर्मूला मिल्क देना है तो बार बार उनको वॉश करके बॉइल करना मुश्किल होता है। अगली चीज चाहिए, बॉटल को क्लीन करने के लिए आपको ब्रश चाहिए, निपल को क्लीन करने के लिए आपको ब्रश चाहिए। एक एयर टाइट कंटेनर लीजिए ताकि जो भी फॉर्मूला मिल्क है आप उसमें डाल के उसको टाइटली जो है एयर टाइट कंटेनर में उसको रख सकें ताकि वो स्पॉइल ना हो। अगली चीज, आपको स्टरलाइजिंग इक्विपमेंट
इक्विपमेंट लेना है या फिर आप चाहें तो एक पतीले में सारी बॉटल्स को डाल के उसको बॉइल भी कर सकते हैं, ये आपकी कॉल है कि स्टरलाइजर आपको लेना है या फिर आपको एक पतीले में सारी बॉटल को बॉइल करना है। नेक्स्ट आपको एक स्पून चाहिए, वेल स्पून फॉर्मूला मिल्क के साथ भी दिया हुआ होता है। इन सारी चीजों को आप सबसे पहले बॉटल को, निपल को और जो स्पून है उनको पहले स्टरलाइज कर लीजिए या फिर बॉइल करके 5 मिनट तक आप रख लीजिए, उसके बाद ही आप अपने बेबी को दीजिए। अगला सवाल, बच्चों के लिए कौन सी बॉटल हमको चूज करना चाहिए? वेल, जब भी आप अपने बेबी के लिए कोई भी बॉटल लें तो वो BPA फ्री ही लें। इसके साथ में आप कोई भी ब्रांड चूज कर सकते हो, आप फिलिप्स एवेंट ले सकते हो, आप डॉक्टर ब्राउन ले सकते हो, लेकिन जब भी आप अपने बेबी के लिए बॉटल खरीदे तो चाहे तो आप, ये आपकी कॉल है कि आप दो जो है वो छोटी बॉटल ले लीजिए, बाकी की आप बड़ी बॉटल ले लीजिए। लेकिन निपल को लेते टाइम आपको ध्यान रखना है क्योंकि बेबी का जिस तरीके से बेबी की एज बढ़ेगी उसी हिसाब से निपल का साइज भी बढ़ेगा। तो अगर आप चाहें तो बड़ी भी ले सकते हैं लेकिन निपल के साइज को आप बढ़ा सकते हैं। बॉटल सेम रखिए, निपल के साइज एज के बढ़ने के हिसाब से आप उसको बढ़ा सकते हैं। अगला सवाल, बेबी को फॉर्मूला मिल्क पिलाएं किस तरीके से? इसके भी आपको डॉक्टर भी कुछ सजेस्ट करती होगी। डॉक्टर ने जो मुझे सजेस्ट किया था वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। डॉक्टर ने मुझसे बोला था कि आप फॉर्मूला मिल्क लें, उसमें कॉटन डिप करें, उससे आप बेबी को पिला सकते हैं। उसके बाद में मैंने उसको स्पून से भी पिलाया था। बाद में हमने छोटी सी बॉटल जो मैंने परचेज की थी उससे हमने बेबी को फॉर्मूला मिल्क दिया था, क्योंकि इनिशियली 3 से 4 दिन तक मदर को जो होता है ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई कम होती है, उसके बाद में ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई काफी बढ़ जाती है, तो आसानी से मैंने उसको ब्रेस्ट मिल्क ही दिया। अगला सवाल, बेबी को एक दिन में कितने मिल्क की जरूरत होती है, यानी कि 24 घंटे के अंदर हमको बेबी को कितना मिल्क देना चाहिए? इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो की है, उसका लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेक करिए, आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी किस मंथ पे बेबी को कितना मिल्क चाहिए। वेल, नटशेल में मैं आपको बता देती हूँ कि बेबी की, हर बेबी अपने आप में अलग होता है, कुछ अंडर वेट होते हैं, कुछ प्री मेच्योर होते हैं और कुछ नॉर्मल वेट होते हैं, तो उसके हिसाब से बेबी की भूख अलग होती है। ये चीज आपको चेक करनी होगी, आपको उसके क्लोज को चेक करना होगा कि आपका बेबी, क्योंकि रूटीन में आप जैसे जैसे बेबी को फीड दे रहे हो तो आपको एक्सपीरियंस इसमें बहुत ज्यादा काम आएगा, तो आप चेक करिए कि आपका बेबी एक बार में कितना मिल्क जो है वो कंज्यूम कर ले रहा है, तो उसके हिसाब से आप थोड़ा सा 10 ml एक्स्ट्रा बना के दीजिए, हो सकता है वो उसको भी ले ले, और एज के हिसाब से आप इस क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। वेल, वो वीडियो आप देखिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। अगला सवाल, क्या ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क एक साथ में दे सकते हैं या फिर उसको मिक्स करके भी दे सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स आप ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क एक साथ में दे सकते हैं। मान लीजिए बेबी की भूख, मान लीजिए शुरुआती टाइम में जो मेरे साथ भी हुआ था कि ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई कम थी, तो हम साथ में ब्रेस्ट मिल्क भी देते थे और साथ में फॉर्मूला मिल्क भी दे सकते थे। अब कुछ फीमेल क्या करती है, मान लीजिए ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई बहुत ज्यादा कम है, उस केस में वो फॉर्मूला के साथ में जितना भी उनको क्वांटिटी आ रही है वो पंप से करके उस फॉर्मूला मिल्क में मिक्स करके भी देती हैं, ताकि जो है उस फॉर्मूला मिल्क का जो उसमें कैलोरी है वो उसको बढ़ा सके। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, ये आपकी कॉल है कि किस तरीके से आपको देना है। पहले इसमें कोई भी नुकसान नहीं है, आप साथ साथ भी दे सकते हो। मान लीजिए आपने पहले ब्रेस्ट फीड कराया, उसके साथ जो है उसके बाद में आपने फॉर्मूला मिल्क दे दिया। खासकर ये रात में आप कोशिश करिए, ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि बेबी का अगर पेट भरा होगा तो आसानी से सो पाएगा, नहीं आपको प्रॉब्लम होगी, नहीं बार बार बेबी जो है वो जगेगा, क्योंकि शुरुआती टाइम में बेबी बहुत ज्यादा उठते हैं, क्योंकि उनकी जो भूख होती है बहुत छोटी सी होती है और वो फुलफिल नहीं हो पाती है, तो बार बार वो उठते रहते हैं, ऐसे में मदर को भी प्रॉब्लम होती है और बेबी को भी प्रॉब्लम होती है। अगला सवाल, ये कैसे चेक करें कि ये फॉर्मूला मिल्क जो मैं उसको दे रही हूं वो बेबी को सूट कर रहा है? अगर आपका बेबी वॉमिट नहीं कर रहा है, मान लीजिए फोर्सफुल वॉमिट, एक स्पिट अप पीना, हल्का फुल्का मिल्क बाहर निकालना, वो बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीड बेबी भी करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला मिल्क थोड़ा हैवी होता है और वो बेबी इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो ऐसे में हल्का फुल्का स्पिट अप होता है, इवन ये ब्रेस्ट फीड के केस में भी होता है। लेकिन फोर्सफुली वॉमिट करना, बहुत ज्यादा वॉमिट करना, और साथ में मान लीजिए बेबी ने स्टूल पास किया, पॉटी पास की, उसमें कुछ ब्लड आ रहा है, या फिर बेबी बहुत ज्यादा रो रहा है, उसको बहुत ज्यादा गैस बन रही है, या हो सकता है कोई इंग्रेडिएंट है, कभी कभी क्या होता है कि काउ बेस्ड जो फॉर्मूला मिल्क होते हैं बेबी को सूट नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें जो प्रोटीन है हो सकता है वो डाइजेस्ट ना कर पा रहा हो, या फिर उसमें जो शुगर है वो डाइजेस्ट ना कर पा रहा हो, तो ऐसे में बेबी को सोया बेस्ड फॉर्मूला मिल्क भी दिया जाता है।
तो ये आपको चेक करना है, बेबी में कोई रिफ्लेक्स ना हो, बेबी बहुत ज्यादा रोए ना, कोई ऐसे साइंस जो आप अगर देख रहे हो, कोई बेबी को एक्जिमा ना हो गया हो, कोई एलर्जी ना हो गई हो, अगर इस तरीके का अगर आप कुछ भी देख रहे हो तो वो जो है आपके बेबी को फॉर्मूला सूट नहीं कर रहा है, आप उसको स्विच करके दूसरे फॉर्मूला पे जाइए या फिर आप अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस करिए कि आपके बेबी को हो सकता है ये फॉर्मूला सूट ना कर रहा हो। क्योंकि जब भी आप बेबी के लिए फॉर्मूला लें तो डॉक्टर के सजेशन के हिसाब से ही लें, क्योंकि प्री मेच्योर बेबी के लिए अलग फॉर्मूला होता है, अंडरवेट के लिए अलग फॉर्मूला होता है और जो नॉर्मल वेट बेबी होते हैं उनके लिए फॉर्मूला अलग होता है। अगला सवाल, बहुत सारे पेरेंट्स के माइंड में ये होता है कि जो फॉर्मूला फीड बेबी होते हैं वो ओवरवेट होते हैं, मतलब ओबेसिटी होती है उनमें, या फिर उनका आईक्यू लेवल कम होता है। वेल, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये है जो जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ब्रेस्ट मिल्क में होते हैं उसके क्लोज फॉर्मूला मिल्क होता है, बट ब्रेस्ट मिल्क नहीं होता है, मतलब ब्रेस्ट मिल्क का कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो भी फॉर्मूला को बना रही हैं, वो पूरा क्लोज करके उसको बनाती हैं ब्रेस्ट मिल्क के। लेकिन आप ये नहीं कह सकते जो भी फॉर्मूला फीड बेबी होते हैं फॉर्मूला की वजह से वो ओवरवेट होते हैं। वेल, वो ओवरवेट इस वजह से होते हैं क्योंकि हो सकता है उन्होंने ओवरफीड कर लिया हो किसी भी वजह से। अगला सवाल आता है आईक्यू लेवल। वेल, जो बेबी ब्रेस्ट फीड करते हैं उनको ईयर इन्फेक्शन नहीं होता है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का कोई भी इन्फेक्शन को नहीं होता, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन नहीं होता है, तो ये सारे इन्फेक्शन नहीं होते हैं जो कि बेबी ब्रेस्ट फीड लेते हैं, क्योंकि उनको मदर की एंटीबॉडीज मिलती रहती हैं। लेकिन फॉर्मूला फीड बेबी के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वेल, उनको ये सारे इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं कंपैरेटिव टू ब्रेस्ट फीड बेबी के। अगला सवाल, अक्सर फीमेल के माइंड में होता है कि मान लीजिए मैंने ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ बेबी को फॉर्मूला मिल्क दिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा बेबी को ब्रेस्ट मिल्क का जो टेस्ट है वो खराब लगने लगेगा और वो ब्रेस्ट मिल्क नहीं लेगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन अगर आप ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हो तो बेबी जल्दी से फॉर्मूला मिल्क नहीं लेते हैं, उनको प्रेफर नहीं करते हैं, जो कि मेरे साथ हुआ था। अगली चीज क्या आती है, बेबी जो होते हैं फॉर्मूला फिल इसलिए जल्दी लेना चाहते हैं क्योंकि उसका फ्लो जो होता है वो ज्यादा होता है ब्रेस्ट मिल्क के। तो जब भी आप अपने बेबी को बॉटल दें तो उससे मिल्क की जो सप्लाई है वो फ्लो उसका जो होना चाहिए कम होना चाहिए, तो आसानी से बेबी ब्रेस्ट मिल्क भी लेगा और बॉटल फीड भी लेगा। वेल, इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी, जो आप कोशिश करिएगा ना करें ऐसा, तो आपका बेबी बॉटल फीड भी लेगा और ब्रेस्ट मिल्क भी लेगा। वेल, मेरे साथ क्या हुआ था, इनिशियली हमने बेबी को लगभग, क्योंकि मैंने भी सुन रखा था कि जो बेबी को अगर आपने एक दो दिन फॉर्मूला नहीं दिया तो बेबी ब्रेस्ट मिल्क पे ही आ जाता है और फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं लेता है, तो मेरे साथ सेम केस हुआ था। ये मेरी प्रॉब्लम थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। वेल, क्या हुआ था, शुरुआत के एक महीने तक बेबी मेरा आसानी से फॉर्मूला मिल्क भी ले रहा था और ब्रेस्ट मिल्क भी ले रहा था। बीच में क्या हुआ, जब हमको ट्रैवल करना पड़ा एक दो दिन के लिए, तो उसमें फॉर्मूला का थोड़ा सा सामान भी होता है, ब्रेस्ट फीड कराना आसान होता है, तो ऐसे में एक दो दिन मेरा जो था वो मिस हो गया बेबी को फॉर्मूला देना। तो ऐसे में मेरे बेबी ने स्विच कर लिया था ब्रेस्ट मिल्क की तरफ और उसके बाद उसने फॉर्मूला को हाथ भी नहीं लगाया। मैंने बहुत ज्यादा कोशिश कि वो साथ में जो है फॉर्मूला मिल्क भी ले ले और ब्रेस्ट मिल्क भी ले ले, क्योंकि कहीं जाते वक्त हमको थोड़ा सा आसान होता है, बट उसने नहीं लिया और लगातार मैंने 2 साल तक अपने बेबी को फॉर्मूला मिल्क ब्रेस्ट मिल्क दिया है। तो आप ये बिल्कुल भी नहीं करिएगा, आप कहीं जाए कहीं आए आप ब्रेस्ट मिल्क भी साथ में दीजिए और फॉर्मूला मिल्क भी बेबी को साथ में दीजिए। अगला सवाल, फॉर्मूला कब खराब हो जाता है। वेल, फॉर्मूला में एक्सपायरी डेट दी हुई होती है, उसके हिसाब से आपको उसको फॉलो करना होता है। जब भी वो एक्सपायर हो तो आप बिल्कुल उसको टच ना कीजिए, उसको अपने बेबी को नहीं दीजिए, क्योंकि उससे बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। किन किन केस में खराब हो सकता है, मान लीजिए कंटेनर आपका खुला छूट गया, आपने उसको कंटेनर में नहीं रखा, तो ऐसे में फॉर्मूला खराब हो सकता है। दूसरी चीज, एक्सपायरी उसकी निकल गई है तो वो ऑब्वियसली खराब हो ही जाएगा। उसके साथ में आपने उसमें कोई गीला चम्मच डाल दिया है, उससे आपने उसको निकाला है, तो ऐसे में फॉर्मूला खराब हो जाएगा। अगला सवाल है, क्या फॉर्मूला मिल्क के कोई नुकसान भी है। सबसे पहली चीज, फॉर्मूला मिल्क जो होता है बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाता है। मान लीजिए आपने उसकी एक्सपायरी डेट फॉलो नहीं की है या फिर आपने उसको ध्यान से नहीं रखा है, वो लूज छूट गया है, गीला चम्मच डाल दिया, किसी भी वजह से वो जल्दी एक्सपायर भी हो जाता है। दूसरी चीज क्या आती है, शुरुआत में बेबी बहुत कम फॉर्मूला मिल्क लेते हैं। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, बेबी बहुत कम क्वांटिटी लेता था क्योंकि साथ में ब्रेस्ट मिल्क भी देते थे, तो ऐसे में ज्यादातर जो होता था वो हमको फेंकना पड़ता था क्योंकि एक्सपायर हम उसको दे नहीं सकते, उसके बहुत ज्यादा नुकसान है। तो ऐसे केस में वो ज्यादा, बहुत ज्यादा पॉकेट पे हैवी पड़ता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, लगभग
400 to 500 की रेंज में एक पैक आता है 400 ml का, तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। और अगर यूज कर लेता है बेबी तब भी ठीक है, अदरवाइज तो आधा तो फेंकना ही पड़ता है शुरुआती वक्त में। अगला जो नुकसान है, क्योंकि हर कोई आपको सजेस्ट करता है, डॉक्टर भी आपको सजेस्ट करते हैं एटलीस्ट 6 मंथ तक आपको ब्रेस्ट मिल्क देना है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो फॉर्मूला में नहीं है, वेल बहुत ज्यादा क्लोज बनाया जाता है। इन केस अगर कोई हेल्थ इश्यू है, कोई इंजरी है तो आप नहीं दे पा रहे हो, तो ऐसे में आप फॉर्मूला दीजिए, अदरवाइज आपको 6 मंथ एटलीस्ट बेबी को ब्रेस्ट मिल्क देना है। अगला सवाल, मान लीजिए आपने बेबी के लिए बॉटल बनाई है, उसने आधा फीड किया है और आधा उसमें छूट गया है, तो क्या उसको कुछ देर के लिए रख सकते हैं? नहीं, आप बिल्कुल नहीं रख सकते, क्योंकि उसमें जो स्लाइवा होता है उससे बैक्टीरिया बहुत ज्यादा ग्रो होने लगते हैं, वो बेबी के लिए हेल्थ इश्यू हो सकता है, उसे नुकसान कर सकते हैं, इसीलिए इमीडिएटली आपको उसको फेंक देना ही बेहतर ऑप्शन है। मान लीजिए बेबी ने उसको टच नहीं किया, आप बना के लेके आए हो, बेबी सो गया है, तो ऐसे में उसको आप रेफ्रिजरेटर में 1 घंटे तक रख सकते हैं, रूम टेम्परेचर पे आप सिर्फ 10 से 15 मिनट मिक्स किया हुआ रख सकते हैं, अदरवाइज आपको उसको फेंकना ही पड़ेगा। अगला सवाल, जो बच्चे फॉर्मूला फीड लेते हैं उनकी नींद अच्छी होती है, वेल ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा क्या होता है एक्चुअल में, जो फॉर्मूला फीड लेते हैं उन बेबी का जो मतलब पेट होता है वो जल्दी भर जाता है, आसानी से भर जाता है, क्योंकि जो मिल्क की सप्लाई होती है, मिल्क का फ्लो होता है बॉटल के थ्रू, वो ज्यादा होता है, तो वो पेट भर के दूध पी लेते हैं और आसानी से सो जाते हैं। ब्रेस्ट मिल्क के केस में क्या होता है, मान लीजिए बेबी को सक करना नहीं आ रहा है, बेबी प्रॉपर लैच नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में बेबी का पेट नहीं भर पाता है और बार बार वो उठता रहता है, इस वजह से बेबी की नींद पूरी नहीं होती है। ना कि ये रीजन है कि फॉर्मूला फीड बेबी ज्यादा सोते हैं कंपैरेटिव टू ब्रेस्ट फीड बेबी। अगला सवाल, बेबी को फॉर्मूला मिल्क कब तक देना चाहिए? वेल, आपको फॉर्मूला मिल्क 1 साल तक ही देना है, उसके बाद क्योंकि हम 1 साल के बाद बेबी को कोई भी एनिमल मिल्क दे सकते हैं, तो आपको सिर्फ 1 साल तक ही अपने बेबी को फॉर्मूला मिल्क पे रखना है, इसके बाद आप कोई भी चाहे एनिमल मिल्क चूज कर सकते हैं। अगला सवाल, बेबी के लिए फॉर्मूला मिल्क बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है? सबसे पहले आपको फॉर्मूला मिल्क चाहिए, दूसरी चीज जिस बॉटल से आपको मिल्क देना है वो बॉटल चाहिए, उसके साथ में आपको जो बॉइल किया हुआ पानी आपने रख रखा है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे लाके आपको वो देना है, उसके साथ में एक स्पून चाहिए और एक कंटेनर चाहिए, ताकि जो आपने पैकेट लिया है उस कंटेनर में डाल के आप उसको एयर टाइट करके रख दीजिए। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, मैंने पूरी कोशिश की है आपके इस वीडियो के थ्रू सारे सवालों के जवाब दे सकूं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, सब्सक्राइब बटन के पास में बेल आइकन होता है उसे हिट करना भी बिल्कुल ना भूलें। देन बी हेल्दी, बी सेफ, हैव अ गुड डे, बाय बाय, अपना बहुत ख्याल रखें, थैंक्स फॉर वॉचिंग दी अमाम चैनल, बाय बाय।